पुलिस सामने खड़ी रही, गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही और देखते ही देखते गिर गई एक साथ दुला से। फिर परिवार की करुणा, आंसू और चीख सब कुछ एसपी साहिबा के सामने होता रहा। फिर परिवार का कोहराम और एसपी साहिबा के चरणों में न्याय की गुहार। मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का है, जहां मंदिर पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस खड़ी देखती रही, गोलियों की ताक से इलाका गूंज उठा। देखते ही देखते पुलिस के सामने दो लाशें जमीन पर गिर गई। बताया जाता है कि मंदिर पर कब्जे को लेकर अधिवक्ता मंजुल चौबे और सपा एमएलसी कमलेश पाठक में बीते कई दिनों से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जहां उनके बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ता देख इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इसी दौरान पुलिस जब तक कुछ समझ पाती, एमएलसी कमलेश पाठक के भाई संतोष पाठक ने फायरिंग कर दी, जहां इस गोलीबारी में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कमलेश पाठक और उनके दो भाइयों समेत छह लोगों को हिरासत में ले लिया है। कोरे हत्याकांड में जिसमें कुल 8 नामजद और 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302, 307, 147, 147, 149 और 7CLA के अंतर्गत FIR दर्ज हुआ, उसमें से कुल 5 नामजद और 2 अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनके कब्जे से 306 वो राइफल, एक कार्बाइन, एक रिवाल्वर और 4 तमंचे की बरामदगी की है और अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। शेष बचे अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ व्यावहारिक कार्रवाई की जाएगी। एक मामूली से विवाद ने एक साथ दो जिंदगियां तबाह कर दी। न पुलिस कुछ कर पाई, न परिवार। मंदिर सदियों तक वहीं रहेगा, लेकिन उस पर कब्जे के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठे लोग कभी वापस नहीं आएंगे। परिजनों में कोहराम है, हाहाकार है और एसपी साहिबा से न्याय की गुहार भी है। NTTV भारत के लिए अवधेश अवस्थी की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।